मुख्तार अंसारी के बाद बेटों और भाई पर एक्शन। अफजाल अंसारी पर कसा ईडी का शिकंजा। 7 घंटे तक हुई पूछताछ। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद अब उनके भाई और बेटों पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी, दोनों बेटों विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को तलब किया है। प्रयागराज के ईडी ऑफिस में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई। दोपहर 1 बजे शुरू हुई पूछताछ और रात को 8 बजे तक खत्म हुई। चुनाव में याद होगा आपको, ये बयान अब्बास अंसारी ने कहा था, हिसाब किताब करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। अफजाल अंसारी से पूछताछ के बाद है कहा, देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं जिनको संविधान में और न्याय में विश्वास है, वो कानून के रास्ते से अपनी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे। आपके भतीजों को भी आज बुलाया गया था, क्यों नहीं आए वो लोग? आएंगे और आए होंगे या जब बुलाए जाएंगे आएंगे। मुलाकात तो आप क्या प्रतिबंध लगाएंगे? हमारी ड्यूटी इतनी देर तक लगी कि उनके लिए समय खत्म हो गया होगा। आप उनसे पूछ लीजिए, फिर भी वो कहाँ जाएंगे, आज नहीं तो कल। आपकी तरह इतना बेबाकी से वो लोग नहीं बोलते, इसलिए पूछा जा रहा। नहीं बोलेंगे तो हम बेबाकी से बताते हैं। तो मैंने तो बोल दिया, जितना बोल सकते थे बोल दिया। अरे भैया कैमरा चारों तरफ है, आप ही थोड़े कैमरे वाले हो। हतोत्साहित हैं, पराजय पचा नहीं पा रहे हैं। गाजीपुर के 0 का रिजल्ट पूर्वांचल में भट्टा बैठ गया भाजपा का। अब पूरी उम्मीद करता हूं कि 2024 में दिल्ली सरकार का पतन निश्चित है। ये क्या लगता है, बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या सिचुएशन पैदा हो गई, आंध्र प्रदेश में क्या होना है, क्या नहीं पता है आपको? 18 सीट लेके आए थे बंगाल से, 2 सीट में सिमटेंगे अब। बिहार से 24 सीटें थी, 10 सीट डबल फिगर में नहीं जा सकेंगे। यूपी में जितनी सीटें थी उसको भी घटना है। राजनीतिक रूप से नहीं आ पा रहे तो इस तरह के हद तक हाँ, जो 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 हार पचा नहीं पाएगा वो क्या करेगा? जो हार पचा, अच्छा मनोज सिन्हा जैसा कद्दावर नेता 2 बार मुझसे लड़े, दोनों बार पराजित हुए, 1 बार 2.5 लाख से, 1 बार 1.25 लाख से। सार्वजनिक जीवन में बुराई के खिलाफ खड़ा होता है, उसको इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। मैं एक 4 लाइन 4 पंक्तियां आपके माध्यम से देना चाहता हूं जनता, क्योंकि यहां सवाल जवाब का दौर था। उर्दू की पंक्तियां हैं, तेरे सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा और यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। हमें भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेजे नेजे को शाखे गुलाब कर दूंगा। अब बारी मुख्तार अंसारी के बेटों की है। ईडी की टीम दोनों को नई तारीख देकर फिर से नोटिस देगी। गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, मऊ से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ जुलाई 2021 में ईडी की प्रयागराज टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी, उसके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी पर करोड़ों रुपए की जमीन की धोखाधड़ी और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है। गाजीपुर के 2 और लखनऊ के 1 मुकदमे को आधार बनाते हुए ईडी की प्रयागराज टीम ने ये कार्रवाई की थी। इससे पहले मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर लगातार योगी का बुलडोजर चलता नजर आया। हमारी टीम ने खुद दिखाया था कि किस तरीके से गाजीपुर में योगी की कार्रवाई तगड़े तौर पर हुई है। अफजाल का गजल होटल किस तरीके से बुलडोजर ने ध्वस्त किया, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यानी समझा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी बचने वाले नहीं हैं और अब तो आंच उनके भाई और बेटों पर भी पहुंच गई है। भले ही वक्त बदला हो लेकिन तस्वीर नहीं बदलती दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।